एशिया कप और दोस्तों पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीरीज को लेकर एक बड़ी न्यूज आप लोगों के साथ शेयर करते चलें कि स्क्वाड अनाउंस होने जा रहा है आज, और इस स्क्वाड में दो बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं और उसका क्या इंपैक्ट होगा, बात करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो को आपने देखना है एंड तक और लाइक सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों आपको बताते चलें कि 22 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज होगी श्रीलंका में, उसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और जनाब टीम जो है वो 17 अगस्त को ट्रैवल करेगी श्रीलंका के लिए। और आपको बताते चलें कि इस स्क्वाड को लेकर काफी ज्यादा बातें निकल रही थी कि किसको मौका मिलेगा किसको मौका नहीं मिलेगा, लेकिन फाइनली अब इस चीजों को अनाउंस किया जाने लगा है और क्लियर होने लगी हैं चीजें कि दो बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। एक तो फास्ट बॉलिंग में तब्दीली होने जा रही है और एक जो है वो जनाब आप कह लेंगे विकेट कीपर जो है वो एक्स्ट्रा खिलाया जाएगा, उसको लेकर तब्दीली होने जा रही है। दोस्तों आपको बताते चले कि इंजमामुल हक ने चीफ सेलेक्टर का ओहदा संभाल लिया है और पहली असाइनमेंट पर वर्क करते हुए अब उन्होंने अपना स्क्वाड अनाउंस करना है। बाबर आजम के साथ मशवरे जारी हैं और कप्तान की मुशावरत के बाद, उनकी अप्रूवल के बाद इंजमामुल हक जो है वो फाइनली डिसीजन लेने जा रहे हैं। आज जो अनाउंसमेंट होनी थी वो दोपहर को होनी थी लेकिन उसको शाम तक जो है वो पीछे कर दिया गया है, शाम तक डिले कर दिया गया है। लेकिन शाम तक जो स्क्वाड अनाउंस होगा उसके बारे में आपको बताता चलूं कि जनाब फास्ट बॉलर सानुला जो है वो कोहनी की इंजरी का शिकार हो चुके हैं और वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे, वो स्क्वाड से आउट होंगे और उनकी जगह जो है लाहौर कलंदर की सेंसेशन फास्ट बॉलर लसिथ मलिंगा स्टाइल जमान खान को मौका दिया जा रहा है। जमान खान के टैलेंट की बात करते हैं तो कोई कमी नहीं है उनके इस टैलेंट में, परफॉर्मेंस के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन और सबसे बड़ी बात कि वो गेंदबाजी जो है इस दिमाग से करते हैं, बेहतरीन परफॉर्मर है, शानदार क्रिकेट माइंड है उनका और उनको मौका मिलने की उम्मीद की जा रही है। साथ साथ आपको बताते चलेंगे क्योंकि आगे पाकिस्तान ने चलकर ये सीरीज खेलनी है, फिर एशिया कप खेलना है, फिर आगे वर्ल्ड कप के लिए इंडिया ट्रैवल करना है, तो इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फाइनली सोच लिया है कि सरफराज अहमद को वापस बुलाया जाए, ओडी स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाए ताकि सेकंड विकेट कीपर को भी साथ ट्रैवल करवाया जाए, क्योंकि ये क्योंकि ये दो बड़े इवेंट जो है उसके बाद पाकिस्तान ने एक मेगा इवेंट खेलना है, तो डेफिनेटली सेकंड विकेट कीपर के लिए जनाब सरफराज अहमद की मौजूदगी हो सकती है, एज अ एक्सपीरियंस उनको शामिल किया जा सकता है, लेकिन ये कंफर्म है कि सेकंड विकेट कीपर जो है वो खिलाया जाएगा। क्या वो मोहम्मद हारिस होंगे, क्या वो जो है सरफराज अहमद होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सेकंड विकेट कीपर जो है वो ट्रैवल किया जाएगा। लेकिन साथ साथ क्रिकेट हलकों का ये कहना है कि सरफराज अहमद को लेकर जाना चाहिए क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप है और उनका एक्सपीरियंस पाकिस्तान यूटिलाइज कर सकता है। तो डेफिनेटली एक बड़ी न्यूज थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। 22 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज होने जा रही है। पहला मैच 22 को होगा, दूसरा 24 अगस्त को और तीसरा ओडीआई 26 अगस्त को खेला जाएगा श्रीलंका में। तो डेफिनेटली पाकिस्तान के पास एक प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा मौका है क्योंकि ये सीरीज जो है 50 ओवर की है और आगे चलकर एशिया कप और साथ साथ ओडीआई वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान का वेट कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद ये करते हैं कि बाबर आजम की कैप्टेंसी में पाकिस्तान की टीम बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगी, शानदार तरीके से काम करके दिखाएगी हमें, और इंजमामुल हक का पहला टास्क देखते हैं कि किस तरह से फाइनल होता है। लेकिन दोस्तों ये दो बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके ख्याल से आप इस तब्दीलियों से एग्री करते हैं कि पाकिस्तान टीम इतनी है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।